नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भगवान भरोसे प्रवासी। दोस्तों, लाखों की संख्या में पैदल या फिर साइकिल, रिक्शा, ऑटो और डगमगार वाहनों से घर पहुंचने के राह में हादसों का शिकार हो रहे प्रवासी श्रमिकों की नियति अपनी जगह है। जो प्रवासी राह कंटकों के पार कर गाँव भी पहुँच जा रहे हैं, उनका जीवन सुरक्षित नहीं है। वजह यह है कि उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। यह किसी से छिपा नहीं है कि ये श्रमिक दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, नासिक, पंजाब और हरियाणा के कोरोनाग्रस्त इलाकों से आ रहे हैं। लक्षण उजागर होने पर जांच से साबित हो रहा है कि इनमें बड़ी संख्या में लोग कोरोना संक्रमित हैं। इसके बावजूद इन लोगों को जांच करके कम से कम 14 दिन क्वारंटाइन करने के बजाय कागजी लिखा पढ़ी की औपचारिकता निपटा कर सीधे घर भेजा जा रहा है। यही वजह है कि यूपी में कोरोना के संक्रमण तेजी से बढ़ रहे हैं। हर मामले में जड़ में सीधे या परोक्ष रूप से प्रवासी श्रमिक ही पाए जा रहे हैं। अधिकारियों का यह कथन हास्यास्पद है कि श्रमिकों को उनकी सहमति से उनके घर में ही क्वारंटाइन किया जा रहा है। क्या अधिकारियों को इन श्रमिकों को शैक्षिक, पारिवारिक और आर्थिक स्थिति के अलावा हाल की परिस्थितियों से उपजी मनोदशा का ख्याल नहीं है? जो लोग घर पहुँचने के लिए बीवी, बच्चों और गृहस्थी का बोझ कंधों पर लाद कर 500 से 1500 किलोमीटर तक का सफ़र पैदल या साइकिल, रिक्शे पर करने को निकल पड़े, उनसे यह अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि वो अपने गांव पहुंचकर स्वेच्छा से 14 दिन क्वारंटाइन रहेंगे? प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि उनकी काउंसलिंग करके उन्हें हालात की संजीदगी का एहसास कराया जाता और बाकायदा क्वारंटाइन केंद्र स्थापित करके रखा जाता। प्रशासन ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या घर बार छोड़कर प्रदेश में मजदूरी करने वालों के घर ऐसे हैं जहाँ किसी को क्वारंटाइन किया जा सके? सही बात तो यह है कि प्रशासन ने इन साधनहीन लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। एक तरफ मुख्यमंत्री दिन रात फिक्रमंद रहते हैं, दूसरी तरफ जिला स्तरीय अधिकारी सारी व्यवस्था ध्वस्त करके खतरा बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग सभी लोग खुद समझदार हैं कि आप बताइए कि जो बाहर जाकर कमा रहा है, क्या उसके घर में ऐसी व्यवस्था होगी कि वो 14 दिन क्वारंटाइन रह सके? बेचारे पैदल चल करके 2000-1500 किलोमीटर तक आ रहे हैं और रास्ते में लोगों को कहीं ट्रेन से कुछ हो जा रहा है, कहीं गाड़ियों से हो जा रहा है। इटावा लखनऊ हाईवे पर ही अभी एक भयानक हादसा हुआ है जहां करीब 25 मजदूरों की मौत हो गई है। अब बताइए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यदि कामगारों के घर वापसी के लिए उचित प्रबंध किए गए होते तो शायद इस भीषण हादसे से उनकी जान बचाने बच सकती थी। कायदे से केंद्र और राज्य सरकारों को तभी चेत जाना चाहिए था जब महाराष्ट्र में ट्रेन पटरियों पर सो रहे कामगार मालगाड़ी से कट मरे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोरी संवेदना जताकर कर्तव्य की इतिस्त्री कर ली गई। नतीजा यह हुआ कि कामगारों के पैदल या साइकिल से घर जाने का सिलसिला और तेज हो गया। यह सिलसिला इसलिए भी तेज हुआ क्योंकि जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं वह पर्याप्त नहीं हैं। यह साफ है कि घर लौटना चाह रहे सभी कामगार इन ट्रेनों की सुविधा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। यह विचित्र है कि न तो पैदल घर जाने को मजबूर मजदूरों को रोकने के लिए कोई कोशिश की गई है और न ही उन्हें उचित तरीके से उनके घर भेजने की इस घातक उदिनता का परिचय जानते हुए भी दिया गया है। चंद ही दिनों पहले जब कारोबारी गतिविधियां शुरू होगी तो मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि घर लौट रहे मजदूरों के सड़क हादसों में हताहत होने के समाचार आए दिन आ रहे हैं, इसलिए राज्य सरकारों के लिए आवश्यक हो जाता है कि वो अपनी सीमा में उन्हें पैदल गुजरने से रोकें। इसी के साथ उन्हें इसकी भी चिंता करनी होगी कि कहीं मजदूर माल ढुलाई में लगे ट्रकों में असुरक्षित तरीके से यात्रा करने के लिए व्यस्त तो नहीं है। चूँकि इन दिनों खाली सड़क देखकर वाहनों को तेज गति से चलाया जा रहा है, इसलिए इसके खिलाफ भी सख्ती बरतनी होगी। यह ठीक है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को यह निर्देश दिया है कि वे मजदूरों को पैदल जाने से रोकें, लेकिन उचित यह होगा कि राज्य सरकारें को यह भी कहा जाए कि वे कुछ दिन श्रमिक स्पेशल बसें चलाएँ, ट्रेनें चलाएँ। कि राज्य सरकारें श्रमिक स्पेशल बसों का संचालन क्यों नहीं कर सकती? ये बस इस तरह चलाई जानी चाहिए जिससे मजदूरों को राज्य विशेष की सीमा पार करने में आसानी हो। लॉकडाउन के चौथे चरण की रूपरेखा बनाने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हताहत निराश मजदूर सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से अपने घर लौटें। यह तभी संभव होगा जब राज्य सरकारें एक दूसरे के साथ तालमेल करेंगी। सरकारों को इस आभास होना चाहिए कि मजदूरों की उपेक्षा अनदेखी राष्ट्रीय शर्म का विषय बन गया है। दोस्तों, एक राष्ट्र निर्माण में मजदूरों का ही सबसे बड़ा योगदान है, चाहे किसी भी कंट्री में आप देख लीजिए। को सम्मान नहीं मिलेगा, इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा तो फिर इकोनॉमी डूबनी है। जो मजदूर आज आ रहे हैं तब भी प्रशासन की लापरवाही है, उनको थोड़ा सा चेक करके पूछ ले रहे हैं
मैं तो कई जगह ऐसा सुना हूँ कि उनसे बस पूछ लिया जा रहा है कि सांस की प्रॉब्लम है, खांसी आ रही है, बुखार है, नहीं है, चले जाओ घर। ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो ऐसे प्रशासन कर रहा है। प्रशासन के साथ साथ सबको ध्यान देना चाहिए। तो अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।